क्या है, कौन हो तुम लोग? भाई साहब, हम मुसीबत में फंस गए। देखिए ना, इन्हें चोट भी लग गई, हमारी मदद कर दीजिए प्लीज। अरे लेकिन तुम लोग हो कौन? एक्चुअली वक्त के बारे में, शादी में जा रहे थे कि गाड़ी खराब हो गई और ऊपर से चोट भी लगी मुझे। क्या मदद कर सकता हूँ? एक फोन करना था, मेरे मोबाइल की बैटरी चली गई, सुबह जल्दी मैं चार्ज नहीं कर पाया ना, इसलिए एक 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 फोन प्लीज प्लीज। भाई साहब प्लीज हमारी मदद कर दीजिए, एक फोन करने दीजिए प्लीज। ठीक है ठीक है, अंदर आ जाओ। थैंक यू। घर में फर्स्ट एड बॉक्स है क्या? थोड़ा पट्टी बांध देते तो। हाँ हाँ बैठिए, सब मिलेगा, बैठिए। ओके थैंक यू। यस। ओह, ये आपके पास पेन किलर है क्या? बहुत पेन हो रहा है। हाँ हाँ वो भी मिलेगा, लीजिए पहले आप पानी पीजिए। हाँ या। मैं अपना मोबाइल और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ, ठीक है? या। सही टाइम हो गया है। अरे ये बंदूक क्यों? तुम लोग भी बड़े बेवकूफ हो, मदद मांगने आए वो भी हमारे पास। कौन हो तुम लोग? लुटेरे, या तो फिर यूं कह लो कि खूनी। दो खून तो हम कर चुके हैं और अब दो और करेंगे, वो भी तुम्हारा। नहीं नहीं सर प्लीज, हमें मत मारिए प्लीज। ए चुपचाप गहने निकाल, सारे गहने निकाल। तुम बहुत गलत कर रहे हो। कौन हो तुम लोग? CID। भाग भाग। CID के सामने से भागना इतना आसान नहीं, वो भी दो दो खून करके। माफ कर दीजिए साहब, हमें साहब प्लीज साहब माफ कर दीजिए। माफी के लायक तुमने काम ही नहीं किया जो तुम्हें माफ कर दिया जाए। तुम तीनों के खिलाफ बहुत सारे सबूत है हमारे पास, लक्षिता और इंद्राणी का खून किया तुम लोगों ने। चलो टाइम पूरा हो गया तुम्हारा, निकलो। गुड जॉब। थैंक यू सर। चलो, जैसे कि आप देख रहे हैं हम फिलहाल CID ब्यूरो में हैं, वहाँ से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पहले की तरह इस बार भी CID ऑफिसरों ने खतरनाक लैंड माफिया, जी हाँ लेडी डॉन, लक्षिता और इंद्राणी के खूनियों को पकड़ लिया है। उन तीनों खूनियों का नाम है विशाल, शौनक और राहुल। आइए अब सुनते हैं SCP प्रद्युम्न का क्या कहना है। लक्षिता और इंद्राणी इन दोनों के खूनी पकड़े गए और उन्होंने अपना गुनाह कबूल भी किया है। मगर आप लोगों ने इन तीनों को इतनी जल्दी पकड़ा कैसे? कभी कभी सबूत और फोरेंसिक की जांच जब सही दिशा में हो तो खूनी को पकड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती। सर ये तो बहुत हाई प्रोफाइल केस है, इसमें दो दो माफिया डॉन्स का मर्डर हुआ है, क्या आपको किसी प्रकार का प्रेशर फेस करना पड़ा? हाँ कभी कभी प्रेशर तो होता ही है, मगर हमने सबूत भी ऐसे ही इकट्ठे किए कि उन्हें हम फांसी तक पहुँचा ही देंगे। और अगले हफ्ते हम अपनी चार्जशीट फाइल करेंगे और उसके बाद ही कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अब जा सकते हैं। क्या हुआ दया, चुप क्यों, क्या परेशानी है? सर पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि ये तीनों खूनी है। क्या क्यों? सर फोरेंसिक रिपोर्ट और क्राइम सीन के इन्वेस्टिगेशन से तो यही साबित हुआ है कि खून उन तीनों ने ही किया है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है सर कि उन तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि उन्होंने खून किए। दया सर, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता ना कि हमने कहीं इन्वेस्टिगेशन में गलती की है या फिर कुछ नजरअंदाज किया हो? नहीं, वैसे तो हमारे इस डबल मर्डर की तहकीकात सही दिशा में जा रही है हमेशा की तरह सर। इस बार भी हमने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए, पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ सही नहीं लग रहा सर। जो दिख रहा है शायद वो है नहीं और जो है वो दिख नहीं रहा। आसान के बोल,
शादी कर रहा है? क्यों जा रहा है? क्या वो क्या रहा है? डॉक्टर साहब आखिर बात क्या है? सालों के साथ छुट्टी पर जा रहे हैं और वापस कब लौटेंगे कुछ नहीं पता। क्या छुट्टी पर जा रहे हैं? तू छुट्टी ले कैसे सकता है? अरे यार इसमें इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अपने घर जा रहा हूँ छुट्टियां लेकर के। किसी दूसरी दुनिया में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे इस लैब में ये इन लाशों से इस केमिकल सेक्शन से मेरी तबीयत खराब होती है। मैं थोड़े दिन आराम करना चाहता हूं। बस इतनी सी बात है। बस इतनी सी बात है। ये कौन है? तुम कौन? सर मैं इनकी पर्सनल नर्स हूं। मेरा नाम मोनिका है। एक्चुअली इनकी ECG रिपोर्ट्स बहुत खराब आई हैं इसीलिए डॉक्टर ने इन्हें कंप्लीट रेस्ट करने के लिए बोला है। पागल हो गया तू? बताया क्यों नहीं पहले तूने? क्या बताता? मुझे अब खुद पता चला है तो मैं तुम्हें पहले क्या बताता? लेकिन सालों के साहब तब तक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? रेडी है? मुझे नहीं पता है बॉस। किसी दूसरे फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुला लो। मैं कुछ दिन के लिए आराम करना चाहता हूँ। मुझसे अब कुछ नहीं हो सकता है और मुझे नहीं मालूम मैं कब वापस लौटूंगा। थैंक यू। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। बात क्या है तारिका? यहाँ पे क्यों बुलाया तुमने हमें? मुझे तुमसे जो बात कहनी है पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा लेकिन बात कहना जरूरी है। सालों के सर का बर्ताव और उनके काम करने का ढंग कुछ दिनों से बहुत अजीब हो गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो आप लोग प्लीज मुझे गलत मत समझिए। सालों के सर मेरे गुरु हैं। मैंने इतने साल उनके साथ काम किया है और कितना कुछ सीखा है उनके पास से। लेकिन इस केस की फोरेंसिक जांच उन्होंने ठीक से नहीं की। कितनी सारी बातों को उन्होंने अनदेखा किया है। कितनी सारी चीजों का तो अभी तक उन्होंने ढंग से टेस्ट भी नहीं किया। तारिका तुम समझ रही हो? तुम जो कह रही हो उसका क्या मतलब हो सकता है? तारिका 16 साल से सारुन के साथ हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो CID को गुमराह क्यों करेंगे? अगर तुम्हारा शक गलत निकला तो अगर आप लोगों ने मुझे गलत साबित किया तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। डॉक्टर तारिका की बातें अभी भी दिमाग में घूम रही है। आज तक कभी सारुन के साथ के लिए उसने कुछ नहीं कहा लेकिन आज ये समझ में नहीं आ रहा है अब हमें क्या करना चाहिए। कभी लगता है कि डॉक्टर सालों के कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। कभी लगता है कि मेरा शक सही था। कहीं ना कहीं इस केस में हमसे कुछ गलती हो रही है। ना एक्सपीरियंस आदमी है सालों के साहब लेकिन फिर क्या करें? ACP साहब को बोलना है? नहीं अभिजीत, भले ACP साहब डॉक्टर सालों के से झगड़ते हो पर वो कभी नहीं मानेंगे कि फॉरेंसिक रिपोर्ट डॉक्टर साहब ने ठीक नहीं बनवाई। ये बात तो है। ये क्या? मैं देखता हूं। चॉकलेट पेपर जैसा लगता है। चॉकलेट पेपर? इतने प्यार से फोल्ड करके किसी ने वाइपर पे क्यों रखा? कुछ लिखा हुआ है इसमें? कहीं कोई मैसेज तो नहीं? हो सकता है पर क्या है पढ़ने में आ नहीं रहा। मैं चल के देख। Thank you.
इनविजिबल इंक से लिखा गया था। होटल रेड सेंट्रल। होटल रेड सेंट्रल। लक्षिता और इंद्राणी की काम वाली सकू भाई ने भी होटल रेड सेंट्रल का ही नाम लिया था। लक्षिता मैडम और इंद्राणी मैडम 10 सितंबर को रेड सेंट्रल होटल में जाने वाले थे। होटल रेड सेंट्रल 111 10/9 111 10/9 10/9 मतलब 10 सितंबर और 111 इस होटल का रूम नंबर हो सकता है। 10 सितंबर को लक्षिता और इंद्राणी का खून हुआ था। कहीं इस होटल रेड सेंट्रल के कमरा नंबर 111 का इस डबल मर्डर केस से कोई संबंध तो नहीं है? हो सकता है दया, इसका पता लगाना पड़ेगा। होटल का मैनेजर कौन है? सर वो रहे। यस सर। 10 सितंबर को कमरा नंबर 111 में कौन ठहरा हुआ था? कोई नहीं, वहां कोई गेस्ट नहीं रुका। देख झूठ मत बोल, समझा? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो तो हमारा स्टाफ रूम है। स्टाफ रूम? जी, वो हमारे असिस्टेंट मैनेजर अंगद को दिया गया है। अंगद? असिस्टेंट मैनेजर? जरा इस अंगद को बुला। सर वो तो अभी यहाँ नहीं। उनकी डिटेल्स तो होंगी आपके पास? यस सर। ये अंगद इस वक्त कहाँ होगा कुछ मालूम है? नहीं सर, अंगद सर अचानक कहीं चले गए। अचानक कहीं चले गए? हाँ सर, 10 तारीख को शाम को 6:30 से 7 के बीच वो रूम की चाबी देकर बाहर निकला और आते ही बोला कि उसे मुंबई से बाहर जाना है, उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। और कहाँ गया ये बता के नहीं गया? नहीं सर, इनफैक्ट वो अपना सामान लेने अपने रूम में भी नहीं आया और उस दिन से उनका कमरा खोला भी नहीं गया है। तो आप खोलिए, हमें कमरा नंबर 111 की तलाशी लेनी है। पूरी राहुल, विशाल और शौनक, इन तीनों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने से पहले सब कुछ अच्छी तरह से दोबारा चेक करो। फोरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान और फिर उन तीनों की स्टेटमेंट भी, जिसमें उन्होंने कबूल किया कि ये खून उन्होंने ही किए। हाँ सर, मैंने सारे पेपर इकट्ठे कर लिए। देखा सर, वो सर देख का फोन आया था, थोड़ा लेट आ रहा है, कह रहा था कुछ जरूरी काम निपटाने उसे। अब इसे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आज इतने सालों से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं लेकिन किसी भी इन्वेस्टिगेशन में दो राय नहीं हुए, मगर इसी केस में, पर्टिकुलरली इसी केस में पता नहीं क्यों दया को यकीन क्यों नहीं हो रहा है। सर उसे लग रहा है कि तहकीकात में कुछ कमी रह गई है सर। क्यों ऐसे लग रहा है? सब कुछ तो ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों। सारे ठोस सबूत है उनके खिलाफ, ठोस सबूत है उनके खिलाफ। सर लक्षिता को माथे पे गोली मारी गई है और इंद्राणी को गले पे। दोनों ही गोलियां आर पार हो गई हैं। हाँ सर, और दोनों के शरीर पे कोई चोट या खरोच के निशान नहीं है। मतलब मौत से पहले हाथापाई नहीं हुई? जब इन दोनों की मौत हुई तुम कहां थे? साहब आगे नाके पे पान की दुकान है, मैं वही पान खाने गया था। साहब ड्यूटी छोड़कर पान की दुकान के चक्कर लगाते हो? सब मेरी गलती है साहब, मैं जब वापस लौटा तो देखा वो तीनों खूनी भाग रहे थे। साहब तुमने खूनियों को भागते हुए देखा? हाँ साहब, लक्षिता मैडम और इंद्राणी मैडम के दुश्मन थे साहब, उनके हाथ में बंदूक भी थी साहब। कौन है दुश्मन उनका? सर वो विशाल, शौनक और राहुल। विशाल, शौनक और राहुल, ये तीनों तो वही है ना जिनके घर हथियार लेते तुम्हारी मैडम ने? ठीक कहा सर आपने, मैंने तो कई बार इंद्राणी मैडम और लक्षिता मैडम को कहा था कि प्लीज आप अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रख लीजिए, लेकिन नहीं सर, अब प्रॉपर्टी के काम में दुश्मनी तो होगी सर। यहाँ घर में कोई और भी था इनके साथ? नहीं साहब, फार्म हाउस पे वो दोनों अकेली थी साहब। दिन फार्म हाउस पे काम करने वाली शकू भाई वो भी नहीं आई थी साहब। सर
हाँ मगर सर ये देखिए यहाँ पे ये खून है और जूते जैसा कोई निशान बना है वहाँ पे शायद खूनी का। हाँ मगर सर ये देखिए यहाँ पे ये खून है और जूते जैसा कोई निशान बना है वहाँ पे शायद खूनी का हो सकता है। लेकिन सर खून यहाँ पर कैसे आया? हाँ सर जब खूनी ने लक्षिता और इंद्राणी पे गोली चलाई तो वो लोग सोफे के आसपास बैठे हुए थे तो खून वहाँ होना चाहिए था। खून यहाँ पे कैसे आया? ठीक है ना लेकिन ये भी हो सकता है कि उनको गोली मारने के बाद खून यहाँ से भाग रहे हो और कोई सीढ़ी पे लड़खड़ा के गिर गया चोट लग गई और खून निकल आया। सही हो सकता है। पंकज ये दीवार पे जितने भी बुलेट्स हैं सबको निकालो और फोरेंसिक लैब भेज दो। सर फिर तो बैलिस्टिक रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि लक्षिता और इंद्राणी पे यही गोलियां चली थी या नहीं। करेक्ट और उंगलियों के निशान और खून की जांच से ये भी पता चल जाएगा कि वो खून विशाल शौनक और राहुल में से किसका है। एक काम करो जितने भी आई विटनेस है सबके स्टेटमेंट लो और तुषार से साइन करा लो। सर रजत सक्कू भाई को बुलवाओ पूछताछ करो उससे। सचिन विशाल शौनक और राहुल तीनों की फोटोग्राफ सारे पुलिस स्टेशन में भेजो सारे मोबाइल वैन और चेक नाके पे भी भेजो तीनों बच के जाने नहीं चाहिए। सक्कू भाई मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा सब सच सच बताना। साहब सक्कू भाई कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छी बात है। आज तुमने लक्षिता मैडम और इंद्राणी मैडम के बर्ताव में कुछ अजीब पाया था? नहीं साहब। अच्छा राहुल शौनक और विशाल इन तीनों का तुम्हारे मैडम के साथ कभी कोई झगड़ा हुआ था? नहीं साहब मैंने कभी कोई झगड़ा नहीं देखा। तुम्हारी दोनों मैडम यही रहती? नहीं साहब शनिवार और रविवार को आराम करने के लिए वो फार्म हाउस आ जाते थे और सोमवार को चले जाते थे साहब। और कुछ याद है तुम? हाँ साहब लक्षिता मैडम और इंद्राणी मैडम होटल रेड सेंटर में जाने वाले थे। तुम्हें अच्छी तरह याद है कि वो होटल रेड सेंट्रल ही जाने वाले थे? हाँ साहब मुझे पक्का याद है। एना मैडम ने खाना बनाने के लिए मुझे मना किया था और हाँ साहब वो किसी के साथ डिनर करने को जाने वाले थे लेकिन वो गए नहीं गए मुझे कुछ भी नहीं पता है साहब मैं वहां से भी चली गई। होटल रेड सेंट्रल इतने सारे सबूत मिले अभी जी उंगलियों के निशान फिर वो गोलियां भी जिससे खून हुआ है और फिर गवाहों के बयान भी। वही तो सर उन तीनों के पास इंद्राणी और लक्षिता को मारने का कारण भी था क्योंकि उन्होंने उन तीनों को बेघर किया था यहाँ तक कि वॉचमैन ने भी उन्हें खून करके भागते हुए देखा था। और सारुंग के साहब ने भी बताया है उन्हीं की गोलियों से मौत हुई है लक्षिता और इंद्राणी की। सारुंग की रिपोर्ट कभी गलत नहीं होती कभी गलत नहीं होती। लेकिन इस केस की फोरेंसिक जांच उन्होंने ठीक से नहीं की कितनी सारी बातों को उन्होंने अनदेखा किया है कितनी सारी चीजों का तो अभी तक उन्होंने ढंग से टेस्ट भी नहीं किया। हाँ सर सारुंग के साहब का काम तो एकदम पक्का होता ही है पता नहीं क्यों अचानक उनकी तबीयत कैसे खराब हो गई। हाँ सर साड़ुंके सर जब क्राइम सीन पर आए थे वो तब से ही परेशान लग रहे थे शायद तब से उनकी तबीयत खराब हो गई। ब्लड सैंपल कलेक्ट करने की बॉटल है। तो किसी चीज की ड्राइंग की गई इस पेपर में उंगलियों के निशान RVS सर ये देखिए लगता है कोई अलग अलग आदमियों के उंगलियों के निशान बना रहा था।
अजय सर, क्या इस कमरे में अंदर के अलावा कोई और है? नहीं सर, वही रहता था। यार इस शरीर में यार बी एस आर वी एस क्या हो सकता है सर? कहीं ये आर से राहुल, एस से शौनक और बी से विशाल तो नहीं? सर लेकिन अंगद ने इन तीनों के फिंगरप्रिंट्स उठाए कहां से? पानी के ग्लास पर से या फिर टेबल के ऊपर से? सर ये देखिए सर, इस पेपर पे कुछ ड्राइंग बनाए गए हैं और ये ब्लड सैंपल की बॉटल मिली है सर। तो लगता है इंद्राणी और लक्षिता के मर्डर में इस संगत का हाथ है सर। ये काम करो, ये सारे सबूत और ये ब्लड स्लाइड्स इसे डॉक्टर तारिका के पास भेज दो। हमें इस अंगद को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, बहुत बड़ा हाथ है उसका इस केस में। सचमुच जा रहे हैं? हाँ तारिका, मेरा काम खत्म हो गया। और अब ये फॉरेंसिक लैब, केमिकल सेक्शन, एविडेंस रूम, इन सब की चाबी तुम संभालो। मैंने अपनी जरूरत के कुछ कागजात अपने साथ ले लिए। लेकिन सर आप ये पेपर्स और फाइल्स क्यों लेकर जा रहे हैं? आपकी तबीयत खराब है इसलिए आपने छुट्टी लिया ना, आराम करने के लिए, या फिर घर पे भी काम करने का इरादा है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं तारिका। देखो यहाँ का काम तो तुम संभाल लोगी, लेकिन भाई अगर कभी मुझे लैब की याद आई तो इन फाइल्स को देख करके अपना मन बहला लूंगा। सर आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आप वापस लौटने वाले ना ठीक होकर? हाँ यस जरूर। एनीवे तुम मेरी चिंता छोड़ो, यहाँ मन लगा के काम करना। देखो अब तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। अब सर अब हमें चलना चाहिए, आपके खाने का भी वक्त हो रहा है और फिर आपको दवाई भी तो देनी है ना। ओके तारिका। सर अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी से ठीक होकर वापिस आइए। एंड यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। चलिए अंगद के कमरे से मिले सबूतों की जांच शुरू करनी पड़ेगी। हेलो, डीएनए लैब,
जी मुझे डीएनए की जांच करवानी है। हाँ, स्लाइड और रेफरेंस फाइल दोनों भी रेडी है। डॉक्टर सालों के एक्चुअली सालों के साथ छुट्टी पे है और उनके जगह जो नए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आने वाले हैं उन्हें ज्वाइन करने में थोड़ा टाइम है, लेकिन मैं इस केस में बिल्कुल डिले नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज़ आप रिपोर्ट जल्द से जल्द रेडी कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। कौन? ये कैसे हो सकता है? हेलो, क्या आपको पूरा यकीन है कि वो खून होने का है? न जाने डॉक्टर तारिका को आप क्या पता चला है, जब उनका फोन आया था तो काफी परेशान लग रही थी। कोई तो बड़ी बात होगी अभिजीत। मुझे लगता है लक्षिता और इंद्राणी के मर्डर केस को रीओपन करना चाहिए और नए सिरे से तहकीकात करनी चाहिए। हमारा शक सही निकला। फिंगरप्रिंट और डीएनए रिपोर्ट। ये क्या? अंगद के कमरे से जो खून, बाल और फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो शौनक, विशाल और राहुल से मैच हो गए। कमाल है, शौनक, विशाल और राहुल के खून और फिंगरप्रिंट्स हमें क्राइम सीन पे भी मिले थे, लक्षिता के पनवेल वाले फार्म हाउस पे जहाँ पे उनकी लाशें मिली थी हमें। यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। अगर विशाल, शौनक और राहुल ने उन दोनों औरतों को उनके पनवेल वाले फार्म हाउस में मारा है तो फिर उनके बाल, खून और फिंगरप्रिंट्स होटल रेड सेंट्रल के किसी स्टाफ रूम में कैसे आ गए? सर, राहुल, विशाल और मैं, हम तीनों हमारे गैर कानूनी सौदे के लिए होटल रेड सेंट्रल जाया करते थे, लेकिन सर मैं कसम खा के कहता हूँ कि हम तीनों अंगद से कभी नहीं मिले। सर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे उंगलियों के निशान अंगद के कमरे में आए कैसे। अंगद को पहले कभी मिले नहीं थे। रेडी, अंगद का फोटो दिखाओ। अब फोटो को देखकर बताओ, क्या तुमने इस आदमी को पहले कभी देखा है? जानते हो इसे? ये अंगद है, असिस्टेंट मैनेजर था रेड सेंट्रल होटल का। नहीं सर, हो सकता है कि आते जाते देख लिया हो, लेकिन सर मेरी इससे कभी कोई बातचीत नहीं हुई। सर, हो सकता है तुम्हारे साथी विशाल और राहुल अंगद को जानते हो? नहीं सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राहुल और विशाल भी अंगद के लिए अजनबी है। शौनक, इस छोटी सी बोतल में हमें तुम्हारा खून मिला था। मेरा खून? हाँ, ये भी अंगद के होटल के कमरे से मिला था हमें। तुम्हारा ये खून वहां अंगद के कमरे में कैसे आया? मुझे नहीं पता सर। क्या पिछले 8-10 दिन में तुम्हें कोई चोट लगी थी जिसके कारण बहुत ज्यादा खून बहा? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर तुम्हारा एक खून इस बोतल में कैसे आया? सर, कुछ दिन पहले मुझे एक एलर्जी अटैक आया था, उसका ब्लड टेस्ट कराने के लिए मैं हॉस्पिटल गया था, तो हो सकता है कि। कौन सा हॉस्पिटल? सर, पैराडाइज हेल्थ केयर हॉस्पिटल। पैराडाइज हेल्थ केयर हॉस्पिटल? हाँ हाँ सर। उस पैथोलॉजिस्ट का नाम पता है तुम्हें जिसने तुम्हारा खून लिया था? सर, नाम तो नहीं पता, लेकिन सर वो दिखने में थोड़ी सी सावली थी, बाल उसके घुंघराले थे। सर, वो हॉस्पिटल की जूनियर पैथोलॉजिस्ट थी। सर, सर मुझे तो लगता है कि शौनक और उसके साथियों ने ही लक्षिता और इंद्राणी का खून किया है और ये सब ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है। इसे ले जाओ, जाओ। सर, सर जब से ये केस रीओपन हुआ है तब से और उलझता जा रहा है। पहले किसी ने मेरी गाड़ी में
उस चॉकलेट के पेपर पे होटल रेड सेंटर लिखा और उसी होटल के कमरे से ये अंगद गायब हो गया और उसके कमरे में से इन तीनों के बाल, फिंगरप्रिंट्स और खून मिले। और सर और क्या सर, समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूं आपको मेरी बात का यकीन होगा या नहीं। यकीन करूंगा या नहीं, साफ साफ बताओ दया। सर वो डॉक्टर तारिका को डॉक्टर सालूम के बर्ताव पे कुछ परेशानी है सर। उसे लगता है कि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के दौरान वो कुछ परेशान से थे और उन्होंने ये सारे टेस्ट जल्दबाजी में किए थे। तुम सारुंखे पर शक कर रहे हो दया? सर कुछ बात तो जरूर है। साफ साफ बताओ दया, बताओ बात क्या है। सर मुझे लगता है कि सेहत का तो सिर्फ बहाना है। क्या मतलब? सर मतलब डॉक्टर सालुंखे का लैब में ना आने की असली वजह कहीं ये लक्षिता और इंद्राणी के डबल मर्डर केस तो नहीं है? अगर ये बात है दया तो सालुंखे से मिलना पड़ेगा। खाना काम कर रहा हूं ना, देखने दे, रख दो बाद में खाऊंगा। आप रुकिए, मैं देखती हूं। सर आप आइए ना प्लीज। अरे प्रद्युमन, दया, अरे आप सब लोग यहाँ, तू इतना चौंक क्यों गया हमें देखकर? नहीं मतलब आप सब लोग यहाँ मेरे घर पे इस वक्त किस लिए? हम ये पूछ रहे हैं कि आपकी तबीयत कैसी है। वैसे तो हम यहाँ फोन करके आना चाहते थे पर आपका फोन कब से स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ वो बैटरी का प्रॉब्लम होगा। सर आपकी तबीयत कैसी है अब? मेरी तबीयत के बारे में छोड़ो, आप लोग ये बताओ कि आप लोग यहाँ पर किस लिए आए, क्यों? बस कुछ प्रॉब्लम हुई है? आसम की प्रॉब्लम तो हुई है, हमारी इन्वेस्टिगेशन और तुम्हारे फोरेंसिक रिपोर्ट में कुछ गलती है। गलती? हाँ हो सकती है, गलती हो सकती है। गलती आपके इन्वेस्टिगेशन में हो सकती है, मेरी रिपोर्ट में कोई गलती नहीं हो सकती। मैं कभी कोई गलती नहीं करता हूं। कहीं आप मेरी 16 साल की काबिलियत पर शक तो नहीं कर रहे? सर प्लीज आप नाराज मत होइए, हमें बस लगा कि आपकी तबीयत खराब थी तो शायद गलती से आपसे कुछ चीजें नजरअंदाज हो गई हो। गलती से? डॉक्टर साहब हम ये नहीं कह रहे कि आपने जानबूझ के कोई गलती की है, हमें बस इस बात की फिक्र है कि किसी बेगुनाह को सजा ना हो जाए। बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। बेवकूफ नजर आता हूं मैं? मेरी शक्ल पर लिखा है कि मैं बेवकूफ हूं? क्या मतलब क्या आपका? 16 साल के बाद आप लोग मेरी काबिलियत पर, मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे हैं? 16 साल मैंने ईमानदारी से काम किया और अब आप लोग घुमा घुमा करके ये कहना चाहते हैं कि सालुखे बेवकूफ है। इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं गुस्सा इसलिए हो रहा हूं बॉस, तुम ये कहना चाहते हो कि 16 साल के बाद सालुखे बेईमान है, उसने गलती की है, वो नाकाबिल है। ओके। अगर ऐसा है तो आप इंद्राणी और लक्षिता का पोस्टमार्टम दोबारा करवा लीजिए। दैट्स इट, बस। अरे सर डॉक्टर साहब बात तो सुनिए, ये सालुम के सबको हो क्या गया? उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि हमें उनकी रिपोर्ट में कौन सी गलत बात लगती है। वही तो एक बार भी सालुंखे ने नहीं पूछा कि रिपोर्ट में गलती क्या है।
भाई साहब, हाँ? ये स्लिप देखकर बताइए। हाँ, आप इस डोर से अंदर चले जाइए। आप उस कुर्सी पे बैठ जाइए। ठीक। अपना हाथ दीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। दीजिए। अब मैं, मेरा एक दोस्त है, मुझे उसकी ब्लड रिपोर्ट पिकअप करनी है, तो मुझे उसकी रिपोर्ट मिलेगी? पेमेंट स्लिप है आपके पास? अब स्लिप तो नहीं लाई हूँ, लेकिन लेकिन उसकी रिपोर्ट्स बहुत अर्जेंट है। वो बीमार है तो आ नहीं सकता। उसका नाम शौनक है। ठीक है, मैं चेक करके आपको बताती हूँ। लेकिन मैंने तो किसी शौनक की रिपोर्ट नहीं देखी, और अगर होती तो रिकॉर्ड में होती। आप यहीं पे रुकिए, मैं देख के बताती हूँ। एक्सक्यूज मी, आप एक एक करके आइए। ये मेरे साथ है। आपके साथ है तो आप इन्हें कहिए कि बाहर इंतजार करें। सीआईडी किसी का इंतजार नहीं करती। सीआईडी? शौनक की रिपोर्ट कहाँ है, जल्दी बताओ। मुझे नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या किया तुमने शौनक के ब्लड सैंपल के साथ? मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता? मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। हमें पता है, ये रहा वो ब्लड सैंपल। जब तुमने शौनक का ब्लड टेस्ट किया ही नहीं, तो उसकी रिपोर्ट कहां से बनती? अब बताओ, किसके कहने पे किया है तुमने ये सब? नाम बताओगी या एक और थप्पड़ खाना है? नहीं, अंगद, अंगद नाम है उसका। अंगद? हाँ, वो मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, उसी ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था। ये अंगद है कहां? मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अंगद ने तुम्हें बताया था कि उसे शौनक का खून किस लिए चाहिए? नहीं, लेकिन मैंने उसे फोन पे बात करते हुए सुना था। वो किसी से कह रहा था कि गाड़ी मोड़ वाली बेकरी के पास ले आओ। मैंने दोस्त समझ के उसका काम कर दिया और बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। बाद में मुझे भी शक हुआ कि वो इस खून का कुछ गलत इस्तेमाल करने वाला है। मैं सच कह रही हूँ, अंगद ने शौनक के खून का इस्तेमाल तो किया, लेकिन क्यों? तारिका, राहुल, विशाल और शौनक, ये तीनों खूनी अंगद को जानते तक नहीं थे, फिर भी उनके उंगलियों के निशान उसके होटल के कमरे में मिले। इसका मतलब है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में कोई ना कोई गलती हुई है। बस दोबारा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। अब क्या कह रहे हैं एसीपी सर? डॉक्टर सालुंके ने तो बस गुस्से में दोबारा पोस्टमार्टम के बारे में कहा था, क्योंकि उन्हें लगा कि हम सब उन पर शक कर रहे हैं। शक की वजह है हमारे पास तारिका, शक की वजह है। बस पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। लेकिन सर, डॉक्टर सालुंके के बिना मेरा दोबारा पोस्टमार्टम करना सही होगा? तुम अकेली नहीं हो तारिका, दिल्ली ब्रांच से एक बहुत बड़े फॉरेंसिक एक्सपर्ट आ रहे हैं। जब तक डॉक्टर सालुंके काम पर वापस नहीं आ जाते, डॉक्टर समीर हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभालेंगे। मैं आ गया हूँ सर। आइए आइए डॉक्टर समीर, वेलकम। थैंक यू सर। डॉक्टर समीर, ये डॉक्टर तारिका, इस केस में आपको इनके साथ ही काम करना है। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर समीर, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, आपको तो जीनियस कहा जाता है। नो डॉक्टर तारिका, रियल जीनियस डॉक्टर सालुंके हैं, जिनके साथ तुम इतने सालों से काम करती आई हो। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि उनकी जगह मैं यहाँ कुछ दिन काम करूँगा।
सर आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोबारा पोस्टमार्टम की जरूरत क्यों। डॉक्टर समीर, ये फैसला क्यों किया ये आपको पोस्टमार्टम करने पर ही पता चलेगा। ठीक है सर, फिर मैं अपना काम आज से ही शुरू करता हूँ। प्लीज, बिकॉज दोबारा पोस्टमार्टम करना ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा वक्त लगता है उसमें। थैंक यू सर, नाइस मीटिंग यू, कैन बी डॉक्टर। सर, अंगद के कमरे में से हमें जो फटे हुए कागज के टुकड़े मिले थे उन टुकड़ों को मैंने जोड़ दिया है, ये देखिए। ये तो एक कमरे का नक्शा है, कमरे के बीचों बीच एक सोफा है, लगता है सोफे पे दो लोग बैठे हैं और सामने टीवी देख रहे हैं। डिजाइन से तो वही लिविंग रूम लगता है जहाँ से हमें इंद्राणी और लक्षिता की लाशें मिली थी। हाँ सर, जिस वक्त उनकी मौत हुई थी उस वक्त कमरे में टीवी चल रहा था। सर, सोफे पे जो दो लोग बैठे, मुझे तो लगता है ये इंद्राणी और लक्षिता है। सर, मगर लक्षिता के घर के लिविंग रूम का नक्शा अंगद के घर में क्या कर रहा है? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नक्शा अंगद ने बनाया हो? सर, लक्षिता और इंद्राणी, इन दोनों का खून 9 से 11 के बीच में हुआ था सर, और ये अंगद होटल के कमरे से 7 बजे निकल गया था। वही तो दया, इस अंगद को कैसे पता चला 7 बजे से पहले कि 9 और 11 बजे के बीच लक्षिता और इंद्राणी टीवी देखने वाले, और फिर इस कमरे का नक्शा, वो भी अंगद के पास कैसे, लक्षिता के घर के कमरे का नक्शा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप लोगों ने पुलिस बीट को फोन किया था? जी हाँ। क्या हुआ यहाँ पे? हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो इस कार को इस हालत में देखा तो आपको फोन किया। आगे की सीट में एक आदमी है, शायद मर गया है। अरे ये तो वही है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.